तो दोस्तों आज हम फ्रिज को क्लीन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर के आया हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में एक केमिकल है, इसका क्या नाम है, और इसके अंदर मैंने एक और चीज मिला के रखा है दोस्तों, क्या है इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं फ्रिज को क्लीन करने वाला हूँ दोस्तों। कभी भी जैसे ऑयली जैसे निशान लग जाते हैं ना, पीले पीले जैसे दाग धब्बे, तो उनको चुटकियों में क्लीन करेगा दोस्तों ये केमिकल। आप इस केमिकल को अपने घर पे ला के रख सकते हैं। तो फटाफट चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो केमिकल है ना दोस्तों, इसको मैं बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। ये दोस्तों ताश की R2 केमिकल है। इसके अंदर दोस्तों मैंने हल्का सा नींबू निचोड़ के रखा है इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। तो इसी से इसको क्लीन करना है। आप अपने घर पे इसको मंगा के रख सकते हैं। टास्क की R2 है, ये बहुत चीजों में काम आता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बहुत चीजों को क्लीन करता है। ये सरफेस है दोस्तों, तो देखिए पहले इसको स्प्रे कर लेंगे, ऐसे बहुत ही जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये देखिए अब एक कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। चीजों को निकालने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथों से ही सारी गंदगी छूट जाएगी इस केमिकल से। इन चीजों को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इनको निकाल के अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिज को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमारा जो फ्रिज है वो क्लीन हो चुका है। ऊपर से भी थोड़ा इसको पानी मिलाया गया इसमें। खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।